जी विज्ञान से बायोलॉजी से 1000+ क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इसको देखिए, एक ही वीडियो में आध हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन एक में है कि जराविक क्या है। तो जराविक सेवन जो है क्या है, तो कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है तो पित्त पीले रंग का होता है और क्षारीय भी होता है। चलिए आगे है, पित्त का स्रावित कहाँ होता है, तो यकृत में। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा पित्ताशय में होता है और स्रावित यानी बनता कहाँ है, तो यकृत में। आगे है कि यकृत यानी लीवर भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए। पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 या 7.4 भी आता है, तो 7.4 या 7.7 याद रखिएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, या शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों में माइको और शैवालों में फाइको याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी यात में, आहार नाल में, स्टार्च के पाचन में। अंतिम उत्पादन होता है माल्टोज का। फूलकोबी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। चलिए, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड से है। और मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में, ST1 है, तो ST1 कवक है। ये सब क्वेश्चन को रिविजन करिए और याद रहेगा। चलिए आगे है कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने। गाजर का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है, तो सोडियम क्लोराइड का। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। चलिए अगला है कि टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। चलिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाए जाने वाले शर्करा है लैक्टोज। असमसूत्री विभाजन होता है कायिका कोशिका में। अवमानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की भांति। अप्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में और कम होता है कांच में। चलिए, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, बाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी या 46 होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग कारण होता है लाइकोपीन। हल्दी के पीला रंग होता है कुकुरमिनिन के कारण। और अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को तना कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिका में। और मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमेलेस। घेंघा यानी ग्लाइंडर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। चलिए आगे है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 को की घटक कहा जाता है, तो कोबाल्ट को। विटामिन B12 को कोबाल्ट की घटक कहा जाता है। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का भंग करना। प्रोटीनों का भंग करना ट्रिप्सिन का कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है पौधा। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु क्या है, तो जस्ता है। ट्रेस धातु क्या है, तो जस्ता है। अस्कर्वी रोग यानी इसे सूखा रोग या किस अंग से संबंधित है, तो चर्म रोग से। यह विटामिन डी की कमी से होता है। सब्जी यानी किस सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है, तो विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण होता है। यह शरीर में सबसे पहले बनता है यानी सबसे जल्दी बनता है। दूध से दही को यानी दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन है। और दूध से दही यानी खट्टा किस कारण से होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण। एंजाइम होता है प्रोटीन। एंजाइम को प्रोटीन भी कह सकते हैं। आइडाइटोज एंजाइम होता है लार ग्रंथि में। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या होती है 29। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी दूध में भी नहीं मिलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो कैसीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। तो वसा में जो है इसको बी और सी को छोड़कर वसा में सब घुलनशील है, जैसे कि ADKE ADK। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है, माँ का दूध होता है, जो 6 महीने तक बच्चे को देना चाहिए। इत्र की DNA और RNA क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध के पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो सेरिब्रम में होता है, जो अग्रमस्ति में रहता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। चलिए आगे है कि श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। और श्वसन में शर्करा का
होता है, शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन, अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन होता है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कारण है प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण होता है, थायमस ग्रंथि के कारण। लैक्रिमियन ग्रंथि स्रावित करते हैं आंसू, और प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का। प्रोटीन ऊर्जा, कुपोषण, कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय मरामस। और रक्तोत्पत्ति कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, यानी कि लाल रक्त कण यानी लाल रक्त या श्वेत रक्त कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, लगभग 46%। चलो आगे देखते हैं, जोड़ों में मूत्रमलय क्रिस्टल जमा हो जाने कौन सा रोग हो जाता है, तो गाउट रोग हो जाता है, गाइट या गाउटर भी बोल सकते हैं। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो सर्वदाता ओ हो सकता है, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव सभी को खून दे सकता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया रोग। बंधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो हरा रंग दिखाई देता है। और ईईजी का प्रयोग किसके कार्य में पता के लिए लगाया जाता है, तो मस्तिष्क, ईईजी मस्तिष्क के लिए। और एक होता है ईसीजी, ईसीजी हृदय के लिए, हृदय के लिए। चलिए आगे है, हृदय की धड़कन लगभग कितना समय धड़कता है, तो 0.8 सेकेंड में एक बार धड़क जाता है, यानी एक मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए सर्वग्राही कौन सा होता है, तो ए बी पॉजिटिव होता है सर्वग्राही, ये सभी से खून ले सकता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन के होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, तो जन्म के लेने के तुरंत बाद, यानी कि 24 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए। अगला है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो सी एन नवार्ड ने किया था। मानव त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण रंग का बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्त के थक्के जमने के लिए के कारण आता है ओम्बिन या थायरोक्सिन भी बोल सकते हैं। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन को ले जाना, शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe यानी कि लोहा का मात्रा होता है, इसी कारण हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। रक्त दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है, तो कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है, तो विक्र यानी कि किडनी काम करना बंद कर देता है, जब नाइट्रोजन की अधिक मात्रा बढ़ जाता है रक्त में। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचाना, हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। मानव हृदय बंद होता है हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक आने के बाद। कालाजार ज्वार का संचरण होता है सिकता मच्छी के काटने से कालाज्वर रोग होता है। मानव रक्त का लाल रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण, अभी बताए थे। वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन दर क्या होती है, प्रति मिनट 70 से 80 बार। बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है स्तनपाई में। महारंध्र जो एक द्वारक है वह कहाँ होता है, कपाल में। मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था, रोनाल्डो रॉस ने किया था। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन कहा जाता है, जबकि मांसपेशियों से जोड़ने वाले को लिंगामेंट कहा जाता है। आगे देखिए, फाइब्रोनेजिन किसके द्वारा फाइब्रिन में उत्पादित करता है, तो रॉबिन्स में करता है। साइनाइट विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाता है, उसमें क्या होता है, कार्डियक और स्ट्रोक कर जाता है, यानी हृदय स्ट्रोक कर जाता है। स्तनियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी होते हैं, तो मोनोसाइट होती है। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। अकल दाढ़ क्या होता है, तो तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 206 होते हैं, ये वयस्क में होता है, वयस्क में। जबकि शिशु में कितना होता है, तो 300+ होता है। और जो छोटा बच्चा जो 2 साल 3 साल 6 साल का रहता है, उसमें 208 होता है, आगे चल के वह 206 हो जाता है।
कान की हड्डी होती है 6, इसमें सबसे छोटा हड्डी होता है स्टेपी जो मध्यकान भित्ति में होता है। मानव में कशेरुकियों की कुल संख्या कितनी होता है 33 जोड़ा होता है। बच्चों के अंगों के अस्थियां मुड़ जाती है, यदि किसकी कमी होता है तो विटामिन डी की कमी हो तो बच्चों की जो हड्डी होती है वो मुड़ जाती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल स्थिति क्या है तो जबड़े का हड्डी होता है, जबड़े का हड्डी सबसे शक्तिशाली हड्डी है, मजबूत हड्डी कह सकते हैं। कौन सा भाग हाथी के दंत गंज के रूप में बदलता है तो दूसरा कृंतक जो दंत गंज के रूप में बदल जाता है। लॉक ज्वर विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है तो टिटनस को ही धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं। चलिए आगे कि दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है तो खोपड़ी में होती है। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थियों में। और जामुन फलक का दूसरा नाम क्या है, जानवी यानी पटेला का दूसरा नाम है। मानव अस्थि पंजर कला कंकाल में हड्डी होती है 206 होती है। दांत और हड्डियाँ किसकी मजबूत के कारण दृढ़ता होती है, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत शामिल नहीं होते तो अर्धचर्वणक नहीं होता, जिसको प्रीमोलर कहा जाता है, जिसका संख्या 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। और जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों के एकत्रित हो जाने के कारण क्या हो जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं तो समवृत्ति अवयव होता है। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे होते हैं। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवित यानी पुनर्युजीन शक्ति होती है तो मस्तिष्क कोशिका जो न्यूरॉन के बना होता है। न्यूरॉन दोबारा नहीं बन सकता है जबकि नेफ्रॉन दोबारा बन सकता है, इसीलिए किडनी और लीवर तुरंत पुनः विकसित हो जाता है कट जाने के बाद भी। चलिए अगला है कि गुण सूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है तो मध्य अवस्था में किया जाता है। चोंच किससे बनी होती है तो जबड़े की बनी होती है। पक्षी का जो चोंच होता है वह किसका बना होता है तो जबड़े का। दांतों की कठोरता इनामेल पर परत क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट से होता है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमति संख्या कितनी होती है 700 होती है। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है, आइसोग्राफ कहा जाता है। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की कंकाल जाति को क्या कहा जाता है तो खच्चर कहा जाता है। घोड़े और गधे से जो मिलाकर पैदा किया जाने वाला जाति होता है वह खच्चर कहलाता है। जीन शब्द किसे है तो WH जोहानसन वर्ग ने किया था। सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है, यूजिन अस्टीनेक को कहा जाता है। पहली कलोनित भेड़ का नाम क्या था तो डौली नाम था। जोहानस ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है अनुवांशिक नियम के प्रस्तुत करने के लिए। हेमोफिलिया रोग होता है अनुवांशिक विकार होता है, हेमोफिलिया रोग अनुवांशिक विकार होता है। डौली संसार का सबसे पहला कलोनित परिस्थिति तो भेड़ की थी। बीटी बीज का संबंध है कपास से, बीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोस क्या है तो लिंग गुण सूत्र है। DNA परीक्षण विकसित किया गया है वाटसन एवं क्रिक ने। आबादी में जीनों के संग्रहण को क्या कहा जाता है, जीन पूल। आबादी में जीनों के संग्रहण को क्या कहा जाता है, जीन पूल। गुण सूत्रों में होता है DNA और प्रोटीन। अनुवांशिक जेनेटिक शब्द किसने दिया था तब बेटसन ने दिया था। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण होता है, DNA से। न्यूक्लिक को बाहर DNA कहाँ मिलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक जो सूक्ष्मजीवी कर्मों के प्रति अनुवांशिक के रूप में प्रतिरोधी होता है वह क्या कहलाता है, रिलैक्सीसांत्र कहलाता है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई को प्रभाव में छिपाता है तो वह एपिस्टोसिस कहा जाता है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, पौधे के रस से करता है, जबकि मादा खून चूसता है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में बांझीकिरण प्रयोग का तंतु पैदा करता है तो प्यूपा। रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है तो सबसे छोटा प्यूपा होता है। स्वादन में अमाशय किसमें होता है तो स्वाद में। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है तो फूल की कली से किया जाता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि यह पौधा किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तने ताथर नर पुष्प क्रम से निष्कासन किया जाता है। और वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो वह किया जाता है कॉपर सल्फेट का। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हृदय पौधे किसका अवशोषण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का। पके हुए अंगूर में होता है फ्रुक्टोज। आर्थिनियोफिली यानी आर्थिनोलॉजी किसके द्वारा होता है तो पक्षियों के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान
निर्मुक्त गैस कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में कौन सा होता है? तो परागकोष होता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है तो कोबाल्ट 16 होता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। और कैंसर के प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो यू वृक्ष से, उसको यू वृक्ष। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल जो होता है किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो यू वृक्ष से। ORT किसका चिकित्सक संबंधित है? अतिसार का है। ग्लूकोमा व ट्रिकोमा बीमारी होता है तो आँख से संबंधित है ग्लूकोमा और ट्रिकोमा। आगे देखिए, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट नामक होता है फंगस से। HIV जांच के लिए एलिसा टेल्स। और HIV द्वारा फैटला एड्स के HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। और प्याज का खाद्य भाग होता है गुदेदार पत्ता। आभासी फल का उदाहरण है सेब। और यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड का। हृदय का पहला प्रति स्थापना किसने किया था? डॉक्टर किशन नवाड ने। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है बेक्सोटोमी। और स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है टिक्सोटोमी। चलिए आगे है, डायनासोर थे मेसोजोइनिक सरीसृप। ATP का निर्माण होता है फ्रुक्टोज में। लैक्रिनियन ग्रंथि स्रावित करता है आंसू। आहार नल में अस्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन होता है माल्टोज। डबल रोटी बनाने में ST का प्रयोग किया जाता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है अर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। जबकि सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र होता है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन डोमोग्राफी कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसका श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर वेणुगोपाल को दिया जाता है। भारत में आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। मछलियों का श्वसन करता है गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर मात्रा में विटामिन डी देता है। ऑक्टोपस एक है मृदु कब्जी जीव होता है। और असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय में। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। एंटीबायोटिक का नष्ट करता है बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। और अल्जाइमर रोग मानव शरीर कौन सा अंग में होता है? तो मस्तिष्क में। गोबर पर उगने वाले लिथोफाइटा होता है। हार्मोन का कार्य क्या होता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन के पाचन होता है एप्सिन एंजाइम से। कृषि वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुँचती है? उसका छाल छील देने के कारण। और प्याज में खाद्य पदार्थ यानी प्याज को किस भाग को खाया जाता है? तो तना को। नर मच्छर पौधे से रस चूसता है जबकि मादा रक्त चूसती है। और पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? तो तने से। पादप में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया अवशोषित किया जाता है? प्रसरण के द्वारा। तंबाकू धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। अगला है कि कुस्केन किस पेड़ की छाल से होता है? तो सिंकोना के पाल से। अगला है कि सुलोसिस भित्ति किसके सेलों से पाई जाती है? तो पौधे के। अगला क्वेश्चन है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। एंड नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है कि जंतु परागण का आयस क्या होता है? तो जंतु द्वारा परागण अकर्युमिक किसके पृथक किया जाता है? तो हल्दी का। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष करने के लिए नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दीर्घ दृष्टि हाइपोमेट्रोपिया कहा जाता है जिसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का तापमान होता है फॉरनहाइट में 98.6 फॉरनहाइट। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगला है अस्कंद कंद धन कंद सलकंद तथा परकंद का उदाहरण है। तो आलू जो हो गया अस्कंद कंद, बंडा केसर या प्याज हो गया असलकंद, अपरकंद हल्दी और अदरक हो गया अदरक हल्दी और अदरक। अमदूर अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला में है कि आम पपीता तथा बैर के खाने योग्य मध्य फल भित्ति। मलेरिया रोग प्रभावित करता है पीलिया यानी तिल्ली को। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा इन्फ्लुएंजा। प्लाज्मोडियम परजीवी होता है मलेरिया रोग का। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करता है? परागण से। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है? परागण से।
अंत श्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपशोषण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी। शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क फ्रांस के एवं ट्रोवेनियर जर्मनी के थे, यानी लैमार्क और ट्रोवेनियर। लैमार्क जर्मनी के, ट्रोवेनियर्स लेमास फ्रांस के, जबकि टर्बेनियस जर्मनी के थे। अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। जीन सब उपस्थित होता है गुणसूत्रों में। अगला है कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में किस रूप के? पौधे से कोको को, कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। झाड़ी से बहु भ्रंता का सर्वोत्तम उदाहरण होता है सिटूस। पत्ता को भी खाद्य पदार्थ का संरक्षण करता है पत्तियाँ। और जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस जो पेट का HCl होता है, HCl में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन से परस्पर सजीव मौजूद होता है कवक और शैवाल में। कवक और शैवाल से ही बनता है लाइकेन। लाइकेन याद रखिएगा, लाइकेन डलोकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? गेहूं में। गुदेदार थैलमस किस में खाने योग्य भाग होता है? सेब में। गुदेदार थैलमस जो सेब का खाने योग्य भाग होता है। मनुष्य में पाचन मुख से शुरू हो जाता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से। पचे हुए भोजन सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है छोटी याद। और रक्त समूह होता है ए बी होता है ओ होता है। और रक्त समूह का खोज किया था लैंडन स्टीन ने। सर्वदाता ओ निगेटिव होता है, सर्वग्राही ओ पॉजिटिव होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज लिवन हॉक ने किया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, उत्कों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। त्वचा की ऊपरी सतह को कहा जाता है एपिडर्मिस, और त्वचा का ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है, जबकि त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है फफूंदी से। फैरिया बीमारी होता है मसूड़े से। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे के फिल्म की भांति। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? कैलिट्योजन से। कृषि शास्त्र में किसको उत्पन्न किया जाता है? पौधे और पशुओं को उत्पन्न किया जाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त में पाए जाने वाले धातु लोहा। और ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा। प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है पलीहा में, यानी तिल्ली में। रक्त का थक्का बनने में काम करता है प्लेटलेट्स। और पदार्थ की चतुर अवस्था कहलाता है प्लाज्मा, जबकि पांचवा अवस्था कहलाता है बोस्ट आइंस्टीन। और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90 से 95। और रक्त का थक्का जमने में सहायक करता है विटामिन के। और सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? असलज के नाम से जाना जाता है सॉलिड वेस्ट को। एस्परजिलियस के लैंगिक जनन क्या कहलाता है? पुधानी और एस्पोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से होता है? पानी से। पौधे में जैलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? हरा प्रकाश। मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे। अनुवांशिक के विज्ञान को अनुवांशिक का कहा जाता है डब्ल्यू वाटसन को। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के ही कारण पौधे हरा रंग का दिखाई देता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। और मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है इरोक्रोम के कारण। और मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 होते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, जो कि 46% होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10%। मानव का समान रक्त दाब कितना प्रतिशत होता है? 80/120। और मानव का समान रक्त शुगर शर्करा होता है 80 से 90। और अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड के कारण। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है जीन। डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए डबल हेक्सिल मॉडल पूछेगा तो वाटसन एवं क्रिक ने। अगला है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने।
अगला क्वेश्चन है, पितृकता सिद्धांत सिद्ध करने के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंट का टेस्ट किया जाता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, पुरुष में होता है एक्स वाई, स्त्री में होता है एक्स एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है 22+22। अब बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र पर यानी एक्स वाई पर। ईसीजी किसके गतिविधियों का पता लगाता है? तो हृदय, मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इक्सीमिया। रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? हेपरिन। और कनिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहा जाता है? सीरम। और रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? लुकमिया। दिल की फुसफुसाहट मकर को क्या कहा जाता है? दोषपूर्ण कपट बल्ब। और मानव शरीर में मौजूद शर्करा का अधिकतर मात्रा होता है ग्लूकोस। और मधुमेह के रोगियों को मधुरन कारक के रूप में किए जाने वाला उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ष से आता है? एल्कोसाइडस से। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी ड्यूबे 1949 में। और प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री पूछेगा तो राइबोसोम को। अगला है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। रुधिर है एक संयोजिक उत्तक है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में अंतरित किया जाता है? इन्फ्लुएंजा मच्छर जो वाहक होता है मलेरिया रोग का। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? बिडल एवं टेटम ने। हीमोग्लोबिन यौगिक है। प्रोटीन का सबसे बड़ा श्वेत रुधिर है एक केंद्रिका मोनोसाइट में। मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य करता है शरीर में शर्करा रक्त को नियंत्रित करना। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ाने के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर को बनाए रखना। अगला है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका नष्ट कहाँ होता है? प्लीहा में। पुरानी या नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका नष्ट कहाँ होती है? प्लीहा में। और लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? 100 से 120 दिन। और संक्रमण रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? सर्विस एक्टो रेस्पिरियोटिक सिंड्रोम। हेमोसेपियन पद शब्द थी है मानव बुद्धि मान से। और जीवन रक्षक हार्मोन कराता है एड्रिनल। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। अंतरंग अंगों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। जीन नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द इंसोनिया कहलाता है मधुमक्खी पालन एपिकल्चर। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला दिखाई देता है? कैरोटीन। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन कराता है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधा। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेत कौन सा होता है? शिशु की मृत्यु दर। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? एकोलिप्टस। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटक को रोककर और विद्युत वाहन भी निर्मित करके। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग में कम किया जा सकता है? कम सल्फर वाले ईंधन में। और शौच घरों और मूत्रालयों में प्राप्त विहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट। जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? रिसाव या फिल्टर ट्रिकलिंग भी कह सकते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा में रखा जाता है? लाल रंग की डेटा में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया था? तो शाही। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणुनाशक के रूप में। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी होते हैं? मुर्गीदान की। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए उत्कृष्ट खेती ना करना छोड़ देना क्या कहलाता है? परिति छोड़ना। वर्गीकरण की केरोलस लिनियस प्रणाली क्या काम करता है? द्विपद की। सूक्ष्म जीवी किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ होता है? चंडीगढ़ में।
खरगोश द्वारा पिछले टांगों को जमीन से प्रहार करना किससे संबंधित करता है? तो सदस्यों को चेतावनी का संकेत करता है, पर्यावरणीय में प्रदूषकों को उपस्थित को समानता पीपीएम में व्यक्त किया जा सकता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो कच्चे माल की आपूर्ति करके, श्रमिकों की रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के किया जाता है। मानव त्वचा का रंग देने वाला मेलानिन होता है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद में किया जाता है? एस्पिरिन में मनुष्य की लाल हृदय कणिकाओं का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। और किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? धमनियों की वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजनी को बाल कोष में बदल देता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा के अलावा सभी रज्जुकियों में पाया जाता है? ईल, मछली, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम। जब मानव हृदय में बाएं निलय में संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाती है? महाधमनी की तरफ। और दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिजन एंटीजन। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। एम्यूनो एसिड का आवश्यकता किसके संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन में। खाली उदर की सलेशम स्तर में पाए जाने वाला बले को क्या कहा जाता है? रुगई। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के। हेमोफोलिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। आरानीखेत बीमारी होता है वायरस के द्वारा। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित करता है 40 डिग्री फारेनहाइट पर रखा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? प्लीहा को या शमशान। अगला है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के द्वारा। दो वंशागुणित रोग होता है बर्णधत्ता एवं हेमोफिलिया के द्वारा। और सर्वप्रथम मनुष्य में बर्णधत्ता का वर्णन मिलता है हेरन ने 1876 में दिया था। एक बर्णधत्ता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। हरा रंग एवं लाल, उसको हरा दिखाइएगा तो लाल और लाल दिखाइएगा तो हरा दिखाई देगा। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन ग्रंथि से। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में उत्कों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम व फास्फोरस। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। और पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन का कारण। क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा होता है कैरोटीन के कारण पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है मैग्नीशियम। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य हो जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वह अंगुली में होता है 14। पूरा हाथ में होता है 30। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। और एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल में। पाचन की क्रिया प्रोटीन में बदल देता है अमीनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है तो जल से, और शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में। खून थक्का नहीं जमता हेमोफिलिया रोग हो जाता है उसका खून थक्का नहीं जमता है। प्रोटीन किसमें पचाता है तो प्रोटीस में पचाता है। एंजाइम की गतिविधियों किसकी परिवर्तन को नियंत्रित करता है पीएच स्केल में। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है तो गाउंडर ऑयल में
कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और विटामिन बी टू का अन्य नाम होता है राइबोफ्लोविन, और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर पपीता में। आरएच फैक्टर होता है रक्त से जो बंदर से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड एस्टिनर एवं बीनर ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को कहा जाता है सीरा। इसको याद रखिएगा, शरीर से हृदय यानी संपूर्ण शरीर से हृदय जा रहा है तो सीरा, शरीर से हृदय की ओर आ रहा है तो धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है पेसमेकर। रक्त को शुद्ध करता है विकृत द्वारा यानी किडनी के द्वारा। रक्तचाप नियंत्रण करता है एड्रिनल ग्रंथि। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है डायलिसिस। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है स्क्विनोमीटर। मानव गुद्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम एक्जिलेट की। मूत्र का निर्माण होता है विक्र में। विक्र का भार होता है 150 ग्राम। पायसीकरण कहा जाता है वसा को छोटी छोटी गोलियों में भंजित करना। और साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किस में बढ़ते हैं? कर्मानुकुंचन में। तंतु आहार में शामिल होता है सेलुलोज। और नाइट्रोजनी आहार होता है प्रोटीन में। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? ज्वरहर। मुख से निकलने वाली पाचन होता है मंड या स्टार्च। विटामिन ई विशेषता किस में यानी किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथि की समान क्रिया के लिए। विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में होता है अरक्ता। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। बनकाइटिस एक रोग है श्वसन नली से। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में दही पाया जाता है विटामिन सी, आपको बताए थे पहले। प्लाज्मोडियम परजीवी होता है मलेरिया रोग का। मानव मूत्र का उत्सर्जन होता है विटामिन सी यानी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी। अमूल अम्लीय यानी मूल रूप से अम्लीय। पीएच का मान होता है 6। और जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचना तथा क्रियात्मक इकाई होता है न्यूरॉन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन प्रक्रम में किसका सहायता किया जाता है? एंजाइम का। खाद्य प्रोटीन को दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। मनुष्य की जीव के किस क्षेत्र तक कटुवाहट की संभावना सीमित रहती है? पिछला भाग में करवाहट इसको बोल सकते हैं। किसी जीव जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की क्रिया किम्बन कहते हैं? परकिम्बन यानी एंजाइम को कह सकते हैं। अस्कर्वी रोग। विटामिन किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ से बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। सूखने वाले तेलों में किसकी काफ़ी मात्रा से अधिक हो जाती है? असंतृप्त वसा अम्ल से। अगला है कि आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो बड़ी अवटु ग्रंथि। और खाद्य पदार्थ के परीक्षण के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में। इटाइटाई रोग किस धातु से होता है? कैडमियम के कारण। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? कैसिन और लैक्टोज। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुपात सांद्रता होता है 200। और मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होता है आवश्यक एमिनो अम्ल। लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम। जो विटामिन बहुत प्रवृत्तित और पकाने में भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है उसे विटामिन सी कहते हैं। आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांचने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी प्रोटीन मानता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकता है? फ्लोरोसिस हो सकता है। और रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजना क्या कहलाता है? संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटिकस कितनी ऊर्जा में होती है? 5 कैलोरी में। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो 65%। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम डायबिटीज और मेलीटस
प्रतिदिन सामान्यतः हमारे शरीर को कपाट बल्ब लगभग कितनी बार खोलते और बंद होते हैं? लगभग 1 लाख बार। और हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ होता है। फास्फोरस विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित किए गए किस बीमारी का टीका है? चेचक का। पायरिया रोग, पायरिया रोग शरीर के किस अंग से होता है? तो मसूड़े से। और अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन। अश्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 1 से लेकर 4 दिन। और प्लेटलेट्स क्या होता है? 2 से 4 दिन। इसको याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। और पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। देखते देखते देखिए अब 500 क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरॉन का बना होता है। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है केंद्रक। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होता है लाल रक्त कोशिका। और मानव शरीर की सबसे लंबी जीवन काल वाली कोशिका होती है आहार नाल की कोशिका। कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। और मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितना होता है? 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होता है फुसफुस। फुसफुस के द्वारा जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट, जबकि वयस्क मनुष्य में होता है 16 से 18 बार। और श्वसन दर सबसे कम होता है सोते समय। श्वसन दर सबसे ज़्यादा होता है दौड़ लगाते समय या ऊंचाई पर चढ़ते समय। हृदय के स्कंदन की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ECG। और रक्त होता है क्षारीय, इसका 7.4 यानी कि pH मान आप जानते होंगे 0 से लेकर 14 तक होता है। बीच में 7 उदासीन होता है। इधर 7 से जितना कम रहेगा अम्लीय होगा और 7 से जितना ज़्यादा रहेगा तो वह क्षारीय होगा। स्फिंगमोमीटर उससे मापा जाता है रक्तदाब। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में। एंटीजन का अभाव होता है O में। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होता है श्वेत रक्त कणिका, जिसका WBC कह सकते हैं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत होता है? मधुमेह का। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। लड़की में जो मनुष्य मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम। आगे चलिए, कोहनी के संधि है कोर संधि। मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिज। कान की भित्ति मध्य कान में जो हड्डी होता है उसको स्टेपिज कहते हैं, जो सबसे छोटी मानव शरीर में होता है। मानव शरीर का सबसे लंबी फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। मानव का मेरुदंड की संख्या होती है 33 जोड़े। स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। नारी विकास हार्मोन को क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शिशु में आंसू ग्रंथि सक्रिय होते हैं जन्म के 4 महीने बाद। ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है निद्रा रोग। एबीज वर्ग का जंतु होता है उल्लू। एनिलीडा जंतु होता है बेलनाकार कृत्रिम। मछली के हृदय में विशेषता का होता है 2 कोष्ठीय हृदय। और टिटनेस के लिए टीका होता है DPT। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? लगभग 306। और वयस्क मनुष्य में 206। चलिए आगे है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा होता है क्लोरोक्विपिन। और ऊँट में कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो बसाए ऊतक से। और स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया। और मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। और मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा होता है 70 से 80%। जनन अंगों की सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व होते हैं मैग्नीज। और कोशिका की नियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कैंसर होता है। दांतों का इनेमल बना होता है फ्लोरीन का। और विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग होता है ऑस्टियोमेलेसिस। और टुंडा रोग पाया जाता है गेहूं में। मनुष्य में स्वेदन ग्रंथि पाया जाता है 25 लाख।
और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होता है मस्तिष्क में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बालों के अध्ययन को कहा जाता है ट्रिकोमोलॉजी। बालों के अध्ययन को कहा जाता है ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। वक्र के पथरी बनने का कारण होता है ऑक्जिलेट। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होता है गॉल्जी क्वाय। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषण है तो गन्ना। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहा जाता है कमाकुंचन। और पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है पत्थर चट। और मलेरिया रोग की खोज का श्रेय जाता है सर रोनाल्डो रॉस को। मानव नेत्र लेंस होता है उभय उत्तलीय उत्तल लेंस की भांति काम करता है। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है रेडियो आयोडीन का। राइजोम पादप का भूमिगत प्ररूप है तना। तो यह 500 क्वेश्चन रहा, इसका सेकेंड पार्ट में आपको 500 क्वेश्चन और करवा देंगे तो लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।